नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अर्ष और आप देख रहे हो प्रोएक्टिव टेक्निकल। और आज का ये वाला वीडियो एकदम खास होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं माइक्रोमैक्स की वापसी को लेकर के। जी हाँ, अब हमें एक नया ऑप्शन मिलेगा इंडियन मार्केट के अंदर, इंडियन स्मार्टफोन इंडस्ट्री के अंदर, और वो ऑप्शन हमें खुद का मेड इन इंडिया का ऑप्शन देखने को मिलेगा, यानी कि इंडिया के बने हुए प्रोडक्ट माइक्रोमैक्स की तरफ से हमें देखने को मिलेंगे। और माइक्रोमैक्स वापसी करने वाला है इन ब्रांड के साथ में, और यहाँ पर इन जो कि IN इंडिया को रिप्रेजेंट करता है उसकी तरफ से हमें नए स्मार्टफोन्स देखने को मिलेंगे। अगर हम शुरुआत से बात करते हैं तो ये हमें बॉयकॉट चाइना सेंटीमेंट के शुरुआत से ही देखने को मिल रहा है। आप सभी जानते हैं बॉयकॉट चाइना सेंटीमेंट कब शुरू हुआ, जब चाइना की हमें हरकतें देखने को मिली बॉर्डर के ऊपर, उन सभी के बारे में आप सभी जानते हो। और उसके बाद से हमें बॉयकॉट चाइना देखने को मिला, ये सेंटीमेंट देखने को मिला। और वहां पर जो मेन मुद्दा था, मेन टॉपिक था, वो था गैजेट इंडस्ट्री का, या फिर कहा जाए तो स्मार्टफोन इंडस्ट्री के अंदर जितने भी स्मार्टफोन थे मेजोरिटी हमें देखने को मिल रहे थे चाइनीज ब्रांड के। और वहां पर बहुत सारे लोगों ने प्रेफर किया सैमसंग को, क्योंकि ये एक कोरियन ब्रांड थी, और इसी वजह से हमें सैमसंग इंडिया का फिलहाल नंबर वन स्मार्टफोन ब्रांड देखने को मिल रहा है। इसने शाओमी को भी बीट कर दिया है आज के दिन में। और साथ ही में अगर हम बात करते हैं इंडियन ब्रांड की, तो इंडियन हमें चुनिंदा ही ब्रांड्स देखने को मिल रही थी, जिसके अंदर हमें कार्बन, लावा, स्पाइस और माइक्रोमैक्स जैसी ब्रांड देखने को मिल रही थी। तो ऐसे में उम्मीदें काफी बढ़ गई थी माइक्रोमैक्स के साथ में। और उस टाइम पर माइक्रोमैक्स ने ऑफिशियली 15 अगस्त के आसपास कुछ रिवील किया था कि हम कम बैक करने वाले हैं। और ऐसे में हमें बाद में देखने को मिलता है, अभी थोड़े दिन पहले रिसेंटली टेक्निकल गुरुजी के साथ में एक इंटरव्यू देखने को मिलता है माइक्रोमैक्स के को फाउंडर का, और उसी से हमें ये क्लियर होता है कि वो जल्द ही इनके साथ में, यानी कि इन नई ब्रांड के साथ में, माइक्रोमैक्स की एक इन नई ब्रांड होने वाली है, उसके साथ में अपना नया स्मार्टफोन लेकर के आने वाले हैं। और उसी इंटरव्यू के अंदर उन्होंने बताया है कि हम प्रोसेसर के ऊपर मेन ध्यान देने वाले, या फिर कहा जाए तो परफॉर्मेंस सेंट्रिक हमारा स्मार्टफोन होने वाला है। अब देखने लायक बात ये होगी कि कौन सा प्रोसेसर वो यूज करते हैं, और बजट का हमें पता चलता है कि वो 7000 से 15000 और उससे ऊपर वाले बजट सेगमेंट को टारगेट करने वाले हैं। और सबसे ज्यादा जो स्मार्टफोन बिकते हैं वो भी हमें इसी बजट के अंदर देखने को मिलते हैं, यानी कि 7 से 15 के जो प्राइसिंग है उसके अंदर ही इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा स्मार्टफोन बिकते हैं, और उसी के अंदर कदम रखने वाला है। और साथ ही में हमें पता लगता है उसी इंटरव्यू की मदद से कि अर्ली नवंबर के अंदर हमें माइक्रोमैक्स की तरफ से एक इन ब्रांड के थ्रू स्मार्टफोन देखने को मिलेगा, और हमें गीकबेंच की भी लिस्टिंग देखने को मिल रही है, जिससे हमें कंफर्मेशन मिल रही है कि इनकी तरफ से हमें इंडिया के अंदर नया स्मार्टफोन देखने को मिलेगा। और अगर हम उसी गीकबेंच की लिस्टिंग से बात करते हैं तो यहाँ पर हमें कुछ स्पेसिफिकेशंस पता लगती है कि जो प्रोसेसर है वो अबके बार हमें मीडियाटेक हीलियो का P35 या फिर हीलियो G35 देखने को मिल सकते हैं। ये दोनों ही हमें एंट्री लेवल प्रोसेसर्स देखने को मिल रहे हैं, यानी कि 7000 रुपए वाले स्मार्टफोन्स के अंदर हमें ये प्रोसेसर्स देखने को मिलते हैं। तो अब देखना ये होगा कि क्या प्राइसिंग होने वाली है। साथ ही में अगर हम बात करते हैं रैम की, तो यहाँ पर हमें 4GB तक रैम देखने को मिल सकती है इसी स्मार्टफोन के अंदर, ये भी हमें इसी की लिस्टिंग से पता लगता है। और इसके अलावा हमें कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन देखने को नहीं मिल रही है, अर्ली नवंबर के अंदर ये स्मार्टफोन हमें लॉन्च देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा ट्विटर पर राहुल शर्मा की तरफ से हमें एक ट्वीट देखने को मिल रहा है, जिसके अंदर उन्होंने टीज किया है, या फिर कहा जाए तो शोकेस किया है रिटेल बॉक्स को, जो कि हमें इन ब्रांड की तरफ से आने वाले पहले स्मार्टफोन का देखने को मिलेगा। और अगर हम बात करते हैं उसी स्मार्टफोन के नाम की, तो ये मोस्ट प्रोबेबली हमें माइक्रोमैक्स इन 1A के नाम से देखने को मिल सकता है, और ये हमें एक एंट्री लेवल स्मार्टफोन देखने को मिल सकते हैं, जैसा कि हमें इसकी गीकबेंच लिस्टिंग से पता लग रहा है। तो दोस्तों, यहां पर सबसे अच्छी बात यही है कि अब के बार हमें एक इंडियन ब्रांड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा मार्केट के अंदर, और उसमें से हम चूज कर सकते हैं। साथ ही में आप कितने एक्साइटेड हो इसी माइक्रोमैक्स के कमबैक को लेकर के? अगर आप फ्यूचर के अंदर स्मार्टफोन खरीदोगे तो क्या आप माइक्रोमैक्स को भी एक ऑप्शन के रूप में रखोगे या फिर नहीं, कमेंट में आप मुझे बता सकते हो। तो दोस्तों, बस यही था आज की इस वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो से रिलेटेड आपका कोई सुझाव तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही में दबा दीजिए बेल आइकन को, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लेकर के आता रहता हूं।